हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर राजेश वारगड़े एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो स्टडी। पिछले वीडियो में हमने मॉडर्न सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा था। अगर आपने मेरा वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो ऊपर लिंक आया होगा, उसे क्लिक करके उसे ज़रूर देख लेना। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल, एनसीईआरटी के सेल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत सारे एमसीक्यूज सेट किए जा सकते हैं और इनमें से कई क्वेश्चंस के आंसर आपको एनसीईआरटी के बुक में नहीं मिलेंगे, इसलिए ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। प्रोकैरियोट में प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या प्राइमरी, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। इन दिस सेल्स जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए इज नेकेड नॉट एनवेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑफन कॉल्ड जीनोफोर, न्यूक्लियर बॉडी और न्यूक्लॉइड। प्रोकैरियोट सेल में जेनेटिक मटेरियल होता है वह नेकेड होता है क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, जिसे हम जीनोफोर, न्यूक्लियर बॉडी या न्यूक्लॉइड कहते हैं। यह किसी सिंगल नेकेड क्रोमोसोम के इक्विवेलेंट होता है, इसी वजह से हम इसे प्रोक्रोमोसोम भी कहते हैं। ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल का एनवलप केमिकली कॉम्प्लेक्स होता है। यह सेल एनवलप तीन लेयर से बना होता है। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, जो मिडल लेयर होती है उसे हम सेल वॉल कहते हैं और इनर मोस्ट लेयर को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। हर एक लेयर का अलग अलग फंक्शन होने के बावजूद यह सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करती है। सबसे पहले हम देखते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स का कंपोजिशन और थिकनेस अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग होता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, इनर लूज शीट से बनी हुई एस लेयर या स्लाइम लेयर एंड आउटर म्यूसिलेज। यस लेयर मोस्टली पॉलीपेप्टाइड से बनी होती है और यह लेयर बैक्टीरियल सेल वॉल को लाइसोजाइम्स और अदर हार्मफुल केमिकल्स में डिजॉल्व होने से प्रोटेक्ट करती है। म्यूसिलेज कार्बोहाइड्रेट रिच होती है, यह जब थिक और टफ होती है तो इसे हम कैप्सूल कहते हैं। सेल एनवलप की दूसरी लेयर सेल वॉल होती है जो कि ग्लाइकोकैलिक्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में होती है। यही सेल का शेप डिटरमाइन करती है और सेल को स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है, जिसकी वजह से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बैक्टीरिया बर्स्ट या कोलैप्स होने से बच जाते हैं। माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ यानी प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल अब्सेंट होती है। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होती है उसे हम पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें सेल वॉल सिंगल लेयर्ड होती है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल टू लेयर्ड होती है। आउटर लेयर जो कि लिपोपॉलीसेकेराइड्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है, जिसे हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें पोरिन्स होते हैं। यह पोरिन 16 स्टैंडर्ड बीटा बैरल प्रोटीन्स के हाइड्रोफिलिक चैनल्स होते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की इनर लेयर और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सिंगल लेयर पेप्टाइडोग्लाइकेन, प्रोटीन्स, नॉन सेलुलोजिक कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, अमीनो एसिड्स से बनी होती है, जिसे म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड भी कहते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन 70-80% होता है, हालांकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन 10-20% होता है। लिपिड कंटेंट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बहुत कम पाया जाता है, हालांकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपिड कंटेंट 20-30% प्रेजेंट होता है। टिकोइक एसिड फॉर्म्स अ रिसेप्टर साइट एंड अ सरफेस एंटीजन इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल एनवलप की इनर मोस्ट या थर्ड लेयर होती है और फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी होती है। यह लेयर सेमी परमिएबल होती है, आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्ट करती है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये यूकैरियोटिक सेल्स से स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है क्योंकि यह रेस्पिरेशन में शामिल होती है और साथ ही में सेल वॉल कंपोनेंट्स और लिपिड सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करती है। अगला स्ट्रक्चर है मीजोजोम्स।
मीजोजोम्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। मीजोजोम एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेल में एक्सटेंशंस होने से फॉर्म होता है। यह एक्सटेंशंस वेसिकल्स, ट्यूबल्स या लैमिले के फॉर्म में होते हैं। मीजोजोम्स दो तरह के होते हैं, सेप्टल मीजोजोम्स और लैटरल मीजोजोम्स। सेप्टल मीजोजोम्स न्यूक्लियोइड और प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स को कनेक्ट करते हैं। क्रोमेटोफोर, यह स्ट्रक्चर भी मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है साइटोप्लाज्म में, जिसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और यह साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। इस पर यह एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज फाउंड इन साइनोबैक्टीरिया, जिसमें आपको एक ऑप्शन क्रोमेटोफोर दिया होगा। ग्रीन बैक्टीरिया के क्रोमेटोफोर को क्लोरोजोन कहते हैं। यह भी एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है। अभी बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। यह फ्लूइड मैट्रिक्स सेल को फिल करता है। प्रोकैरियोटिक सेल का साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म ग्रैनुलर होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे रिबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स अब्सेंट होते हैं। सैप वैक्यूल्स अब्सेंट होते हैं, जिनकी जगह गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। रिबोसोम्स स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं। यह 50S और 30S, ये दो सब यूनिट से बने होते हैं। जब यह यूनिट एक साथ होते हैं तो 70S प्रोकैरियोटिक रिबोसोम फॉर्म करते हैं। ऐसे ही 70S रिबोसोम्स यूकैरियोट सेल के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। 4 से 8 रिबोसोम्स सिंगल mRNA से जुड़कर चेन फॉर्म करते हैं, जिसे हम पॉलीरिबोसोम या पॉलीजोम्स भी कहते हैं। पॉलीजोम्स में प्रेजेंट रिबोसोम्स mRNA को प्रोटीन में ट्रांसलेट करते हैं। रिबोसोम्स दो प्रकार के होते हैं, फिक्स रिबोसोम्स और फ्री रिबोसोम्स। फिक्स रिबोसोम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं। फ्री रिबोसोम्स साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स का रिजर्व फूड मटेरियल साइटोप्लाज्म में इंक्लूजन बॉडीज के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। यह किसी सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होती और साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होती हैं। फॉस्फेट ग्रैनुल्स, साइनोफाइसिन ग्रैनुल्स और ग्लाइकोजन ग्रैनुल्स इसके एग्जाम्पल्स हैं। ब्लू ग्रीन अल्गी और पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।